You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आए मेरे साथ इब्रानियों की किताब को खोलिए नए अहदनामा में से और 11वां बाब 11 चैप्टर हिब्रियों और उसकी 6 वर्स 6 आयत में लिखा है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान के बगैर विदाउट फेथ खुदा को पसंद आना खुदा को प्लीज्ड करना नामुमकिन है इम्पॉसिबल है। एक इंसान अगर किसी चीज के बारे में नामुमकिन कह दे तो हम खुदा पर उम्मीद रखते हैं कि खुदा इसे मुमकिन कर सकता है। जो चीज़ें इंसान के लिए नामुमकिन है खुदा उसे मुमकिन कर सकता है। लेकिन जिस चीज़ को खुदा नामुमकिन कह दे उसे इंसान मुमकिन नहीं कर सकता। यू अंडरस्टैंड इट। सो जब बाइबल कहती है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है तो कोई भी बड़े से बड़ी हस्ती भी जो है वो बगैर ईमान के हमें खुदा के पास नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि हम खुदा को खुश करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि खुदा हमें पसंद करे और ये इंपॉर्टेंट है। कई मर्तबा हम बहुत सारे स्टाइल्स लगाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छे कपड़े पहनते हैं। कई मर्तबा तो हमारा मकसद सिर्फ साफ सुथरा रहना होता है, लेकिन इससे बढ़कर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखावे के लिए बहुत सारे एक्शंस करते होते हैं ताकि लोगों को हमारा बैठना उठना हमारा रहन सहन जो है वो पसंद आए। लेकिन खुदा के जो नज़दीक हमारी पसंदीदगी का जो एलिमेंट है वो फेथ है। खुदा को ईमान के बगैर हम पसंद नहीं आ सकते। खुदा की पसंद है। देखिए खुदा इंसान से बहुत प्यार करता है। मोहब्बत के बारे में लिखा है कि जो मोहब्बत करता है वो पूरी शरीयत पूरी कर देता है। मोहब्बत शरीयत को पूरा कर देती है, इतनी पावरफुल है। लेकिन आगे जाके लिखा है मोहब्बत हो नेमतें हो वट एवर वो ईमान के रास्ते काम करते हैं। अंडरस्टैंड इट। ईमान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। सो ईमान एक ईमानदार की रूहानी जिंदगी की खूबसूरती है, ब्यूटी है। फेथ इज आवर ब्यूटी। बगैर ईमान के आप ना उम्मीद हैं, बेयकीनी के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन ईमान हमें ये उम्मीद देता है कि खुदा मौजूद है। ही इज, हिज नेम इज यावे गॉड। सो ईमान खुदा को मुतासर करता है, यानी इंप्रेस्ड करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन। हमारे इर्द गिर्द दो किस्म के लोग हैं जो फेथ के ताल्लुक से मुख्तलिफ रिएक्ट करते हैं। क्योंकि हमने ये सुना है कि जो ईमान है वो सुनने से पैदा होता है। ईमान एक सेंसिटिव और संजीदा अमल है, ये सुनने से पैदा होता है। इट मीन
सुनते हम खुदा के कलाम से हैं और खुदा का कलाम जो है वो मेरे और आपके लिए तालीम का काम करता है, तालीम का काम करता है। यानी तालीम से जब हम खुदा के कलाम की तालीम लेते हैं हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, हम ईमान में ग्रो करते हैं, हम ईमान में बढ़ते हैं। लेकिन कई एक ऐसे लोग हैं, उनमें बड़े ओहदेदार भी हो सकते हैं, बिशप्स भी हो सकते हैं, बड़े बड़े एल्डर और डीकन्स भी हो सकते हैं, जिनके पास नॉलेज बहुत है। नॉलेज और फेथ में फर्क है। इंफॉर्मेशन, एजुकेटेड होना इज डिफरेंट देन अ फेथ, ये ईमान से मुख्तलिफ है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत सारी चीजों को हासिल नहीं कर सके, क्योंकि तालीम से हमें शऊर मिल सकता है, हमें मार्फत मिल सकती है, लेकिन खुदा को पाने के लिए उस मार्फत पर हमें ईमान रखना जरूरी है। जो कुछ हमने सीखा है उसको हमने अपने ईमान में बदलना जरूरी है। यू अंडरस्टैंड इट? योर नॉलेज चेंज इनटू फेथ। आपका जो इल्म है जो आप कलाम से लेते हैं, आपकी जो तालीम है जो आप कलाम मुकद्दस से लेते हैं, उसको मैंने और आपने अपने ईमान में एक्सचेंज करना है, उसको बदलना है। यू अंडरस्टैंड इट? सिर्फ उसे मालूमात तक नहीं रखना। इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग जो आयात बोल सकते हैं, हवाला जात बोल सकते हैं, लेकिन वो हासिल नहीं कर सकते जब तक वो कलाम को पढ़ते हैं और उसको ईमान में नहीं बदलते, तब तक वो खुदावंद से कुछ हासिल नहीं कर सकता। यू अंडरस्टैंड इट? चाहे आप पूरी की पूरी बाइबल आप अपने सीने के साथ लगा के रखें, या आप अपने घर की कबर्ड के उतली सतह पर रखें, ये तब तक आपकी जिंदगी में असर नहीं करेगा जब तक आप इसको अपनी जिंदगी में ईमान में नहीं बदलेंगे। ईमान मैंने और आपने रखना है, ये मेरा और आपका काम है, ये खुदा की तरफ से फजल में से हमें गिफ्ट के तौर पे मिला। एंड रिमेंबर, शैतान से बदरूहों से लड़ने के लिए ईमान ही एक नेमत है, बगैर ईमान के कोई नहीं लड़ सकता। या कोई ये कहे कि हम नबुवत करने से इब्लीस के साथ लड़ सकते हैं, या फिर ये कोई कहे कि मैं बहुत सारी शिफाओं को देता हूं, मौजजात को देता हूं, मैं अबलीस से लड़ सकता हूं। नो, अबलीस के साथ सिर्फ और सिर्फ जो है आप ईमान के साथ लड़ सकते हैं। ईमान की नेमत जो है वो आपको अबलीस पर फतह देती है। ईमान के सबब से आप बदरूहों पर गालब आ सकते हैं, आप शैतान पर गालब आ सकते हैं। एंड व्हाट आई वाज सेइंग, हमसे ज्यादा यहूदी लोग, ज्यूविश लोग कलाम मुकद्दस की आयात को, पेशन गोइयों को याद रखते हैं, उन्हें धुराते हैं, यहां तक कि सम टाइम वो अपने वॉलेट्स में भी आयात लिख लेते हैं, अपने चमड़े के ऊपर वो लिखकर अपने बाजू पर भी बांध लेते हैं, यहां तक कि वो अपने घरों के बाहर भी लगाते हैं ताकि वो हवाला जात को भूल ना सके, वो उसे याद रखने के लिए पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और यीशु मसीह के बारे में पुराने अहदनामे में बहुत सारी पेशन गोइयां थी, हैं, और उन्होंने उसको याद कर लिया था, पढ़ लिया था, उन्हें एक्नॉलेज था, उनके बुजुर्गों को, उनके सरदारों को, उनके रबियों को, ये सब पेशन गोइयां आती थी कि यीशु मसीह, मसीहा जो है वो जन्म लेगा। बट रिमेंबर, सारा कुछ याद करने के बावजूद, रिमेंबर,
वो यीशु तक नहीं पहुंचे, क्योंकि यीशु तक पहुंचने के लिए सिर्फ आयते ही याद करना जरूरी नहीं थी, बल्कि यीशु तक पहुंचने के लिए उन आयात पर ईमान लाना जरूरी था। मजूसियों ने एक बार सुना और वो ईमान ले आए, अपने ईमान के सबब से वो यीशु तक पहुंच गए। 6 मील के फासला पर जूबिश लोग थे, लेकिन वो बैतलहम में नहीं पहुंच सके थे, बल्कि वो आकर यहूदियों से पूछ रहे थे, वो जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है। यू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि वो अपने ईमान से वहां तक पहुंचे थे। आमीन, ईमान से वो अपनी मंजिल तक पहुंचे थे। सो इसलिए हमें तालीम लेना जरूरी है और उस तालीम को ईमान में कन्वर्ट करना जरूरी है। बहुत सारे लोग सेमिनरीज करते होते हैं। मूडी इंस्टीट्यूट में जब बिली ग्राम पढ़ा, बिली ग्राम तो उस वक्त 1000 तालिब इल्म थे, 1000, बहुत बड़ी मूडी इंस्टीट्यूशन था, और उनमें से और भी खादम बने, लेकिन एक बिली ग्राम पूरी दुनिया में फेमस हुआ। उसने अरबों लोगों में मुनादी की। कलाम तो सबने एक जैसा पढ़ा था, सबने सुना था, लेकिन जो कुछ बिली ग्राम पढ़ रहा था वो सिर्फ उसे पढ़ नहीं रहा था, वो उसे सिर्फ सुन नहीं रहा था, बल्कि उसको वो अपने अंदर ईमान के तौर पे रख रहा था। फिर उसी ईमान पर उसने रिस्क लिया, जो कुछ बाइबल में लिखा था वो उसको उसी तौर पे कबूल करता, उसे सच्चा मानता और उस पर अमल करना शुरू कर देता। जब तक आप खुदा का वो कलाम जो आपको दिया जाता है आप उस पर ईमान नहीं लाते, तो आप ये साबित करते हैं कि ये सच्चा नहीं है। क्योंकि अगर जो आप खुदा के कलाम को सच्चा माने तो फिर आप उस पर ईमान भी लाएं। बहुत सारे लोग जो हैं एग्नोस्टिक फेथ रखते हैं, वो वर्बल तौर पर ये कहते हैं, ऑरली ये कहते हैं खुदा का कलाम सच्चा है, खुदा के पास बरकत है, खुदा का दुरे मुतलिक है, खुदा ये कर सकता है, खुदावंद ये कर सकता है, लेकिन जब ईमान की बात आती है तो वो उन सारी बातों को जो उन्होंने कलाम में से सुनी होती है उसको अपने फेथ के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम पीछे के पीछे रह जाते हैं, इसलिए हम पीछे और हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। मैं भी ये हमें डाइस नहीं देते, इसलिए नहीं हम आगे बढ़ रहे। ईमान को किसी डाइस की जरूरत नहीं है, ईमान आपको किसी डाइस या माइक तक नहीं ले जाता, ईमान आपको खुदा तक पहुंचाता है, और खुदा जो है वो किसी डाइस से भी ज्यादा पावरफुल है। जो खुदा तक पहुंच जाता है वो अपनी फतह तक पहुंच जाता है। आमीन। सो कई मर्तबा जब हम कन्वेंशन में जाते हैं हमने ये ईमान रखा होता है हम शायद स्टेज तक पहुंचेंगे। ईमान की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वो हमें खुदा तक ले जाता है। ईमान मुख्तलिफ है, कुछ लोग कैंसर के लिए उसकी शिफा के लिए ईमान रखते हैं, कुछ लोग वीजा रखने के लिए ईमान, जिस चीज के लिए आपको ईमान रखते हैं ईमान आपको ड्राइव करके वहां तक ले जाता है। लेकिन सबसे खूबसूरत ईमान वो है जो आपको खुदा तक पहुंचाता है। आमीन। सो ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना, और हमें ईमान रखना चाहिए कि खुदा मौजूद है। आमीन। सो जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने सुना है, उसको हमने ईमान में कन्वर्ट करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेंज योर नॉलेज, चेंज योर लिसनिंग, चेंज योर हेयरिंग, चेंज योर नॉलेज, चेंज योर विजडम, एवरीथिंग जो आपने खुदा के कलाम से सुना है, चेंज इनटू फेथ, उसको बदले ईमान में, उसको ईमान में चेंज करें, तब आप फतह पाएंगे। कोई कलाम पढ़ रहा है, डजंट मैटर कि ये बहुत बड़ा इबलीस पर हमला कर देगा,
जो कुछ वो पढ़ रहा है वो अगर उस पर ईमान रख रहा है, जितना बड़ा ईमान है उतना बड़ा अबलीस के लिए खतरा है। अबलीस के लिए बड़े ईमानदार लोग खतरा हैं, डेंजरस हैं, क्योंकि वो अबलीस के खेमों को तबाह करने का ईमान रखते हैं। आमीन। इसलिए अपने फेथ को बिल्ड करें और उसे जो कुछ आपने सुना है उसे चेंज करें। किस में? ईमान में। वरना आप जहां पर हैं वहीं पे। नॉलेज आपको रूहानी तौर पे, देखें दुनिया में आप नॉलेज लेते हैं आपको डिग्री मिलती है, आप पोजीशन होल्डर होते हैं, आप प्रमोट होते हैं, आप तरक्की करते हैं, आप आगे जाते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर कितना भी नॉलेज ले लें। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत नॉलेज रखते हैं लेकिन अभी भी वो सिगरेट पीते या सड़क पे कपड़ा बिछा के वो ताश खेलते होते हैं। नॉलेज एक आप कभी कभी किसी शात का दी होता है, नशा करता उसके बजे शायद वो भी हिकमत की बातें करता हो, वो भी नॉलेज की बातें करता हो, लेकिन वो कहेंगे गल्ला तो इन्हीं अच्छे कर दे लेकिन खुद आती है, मनशियात का आती है इसमें। क्यों? क्योंकि उसने जो कुछ कहा है वो उस पर ईमान नहीं लाया। अगर जो कुछ मेरी जिंदगी में है या जो कुछ मैंने रिसीव किया है वो आपने सिर्फ नॉलेज की वजह से नहीं बल्कि अपने नॉलेज को ईमान में बदलने की वजह से रिसीव किया। आई हियरिंग में? आप मेरी बात सुन रहे हैं? जो कुछ मैंने रिसीव किया चाहे वो चर्च है, बाइबल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या टेलीविजन है, ये सब कुछ नॉलेज की वजह से नहीं है बल्कि उस नॉलेज को जो खुदा के कलाम से लिया है उसके उसको मैंने ईमान में चेंज किया है तो फिर मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला। आप चाहे आलम हो जाए, चाहे आप फाजल हो जाए, चाहे आप बड़ी डिग्री रखने वाले हो जाए, चाहे आप प्रोफेसर हो जाए, चाहे आप डॉक्टर हो जाए या आप बहुत बड़े आलम हो जाए, जब तक आप खुदा के कलाम को जो आपको दिया गया है उसको ईमान में अपने ईमान में तब्दील नहीं करेंगे वो आपको कुछ नहीं देगा, नथिंग। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अनपढ़ होते हैं, जिनके पास कोई आला तालीम नहीं होती है लेकिन पढ़े लिखों से ज्यादा उनके पास रूहानी तजर्बात होते हैं। इस बिहाफ पर नहीं कि उन्होंने पूरी बाइबल पढ़ी हुई है, सिर्फ इस बिहाफ पर कि जो कुछ उन्होंने बाइबल में से सुने उस पर ईमान रखा है, इसलिए उनकी जिंदगी में तजर्बात है। यू अंडरस्टैंड इट? ईमान के बगैर आप सखने हैं, खाली हैं, सिर्फ तलीम है, ढनढनाते हैं आप, डमडम है, शोर आता है, दैट्स इट। जैसे ढोलक है वो डमडम करे उसका असर नहीं होता, सिर्फ थाल की आवाज आती है, लेकिन जब दाऊद उसे डम डम करता था तो उस डम डम के अंदर से सऊल शिफा पाता था। क्यों? क्योंकि उसके हाथों में से निकलकर सिर्फ तमानाई एनर्जी ही उस कुर्बानी की खाल पर नहीं लगती थी बल्कि उसका ईमान लगता था। जब ईमान थाल में मिल जाता था तो बदरू उससे निकलकर साइड पर चले जाते थे। You understand it? अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे तो वो महज इल्म है, लेकिन अगर हम ईमान से बोलेंगे तो वो इल्म नहीं रहेगा बल्कि उसके साथ साथ वो असर दिखाएगा, क्योंकि उसका कलाम असर दिखा के रहा था। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जो कुछ आप कलाम से, मैं भी, आपने 21 लाख जुमले सुन लिए, एक साल में एक शख्स जो है वो 21 लाख जुमले बोल सकता है, सबसे ज्यादा हल्की वजन की जुबान ज्यादा बोलती है और वो परिंदों में पाई जाती है, इसलिए वो चू चू करते रहते हैं, और इंसान की जुबान जो है वो 60 से 80 ग्राम की होती है, आदमी की जो जुबान है वो ज्यादा वजनी होती है, वो 80 ग्राम, इसलिए वो जरा कम बोलना पसंद करता है। एंड रिमेंबर, जितनी भी तुर्श जुबान हो ज्यादा से ज्यादा वो एक्नॉलेज 21 लाख के करीब जुमलों को कर सकती है, और हमारी जो मेमोरी है वो 21 लाख के मजामीन की हेडलाइंस को अपने अंदर स्टोर करती है, और इसका मतलब है आप 21 लाख ऐसे जुमलों को वाकफियत रखते हैं, जानते हैं, जो आप अगर आपके ईमान में कन्वर्ट हो जाए तो आप एक साल में 21 लाख
डिफिकल्ट नहीं है. अंडरस्टैंड इट, खुदा तक पहुंचना डिफिकल्ट है, क्योंकि खुदा तक पहुंचने के लिए एमपीए का बेटा होने की जरूरत नहीं, पादरी बेनी हिन का बेटा होने की जरूरत नहीं, या बिली ग्राम का दामाद होने की जरूरत नहीं है. कुछ लोग सोचते हैं हम रूहानी लोगों के करीब रहेंगे तो शायद हम इनसे रिश्ता जोड़ेंगे. खुदा तक आप यीशु के करीब रहकर, ये तो मैंने आम इंसानी मिसालें दी, अगर आप यीशु के साथ भी खड़े हो तो आप यीशु से भी कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक आप यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते. किसी बड़े के साथ रिश्ते करने का मतलब यह नहीं कि हम यीशु तक पहुंचेंगे. आप चाहे कन्वेंशन के आखिरी नशिस्त पर हो या गेट पर खड़े हो, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो खुदा सिर्फ स्टेज पर नहीं बल्कि उस आखिरी नशिस्त पर भी आपके करीब पहुंच सकता है, क्योंकि वो कादरे मुतले खुदा है. कैन यू बिलीव? कई मर्तबा लोग आगे आने की दौड़ दौड़ते हैं, समझते हैं आगे ज्यादा मस है, हम आगे हैं. नहीं, जिस जगह पर ईमान है वहां खुदा दिख सकता है, वहां खुदा जाहिर हो सकता है, चाहे आप आखिरी निश्चित पर हैं या पहली निश्चितों पर हैं. आपका ईमान आपको खुदा तक ड्राइव कर सकता है, मूव कर सकता है. इसलिए तहैया करें, प्रॉमिस करें कि जो कुछ मैंने सुना है मैंने प्रैक्टिस करनी है. लिखा है सुनने से पैदा होता है ईमान, पैदा होता है, लेकिन जब हम उस पर अमल करते हैं तो वो बढ़ता है. जब पैदा कोई चीज होती है तो वो छोटी होती है, हमारे एक्शन उसे ग्रो करते हैं, हमारे अमाल हमारे ईमान को बढ़ाते हैं. रिमेंबर इस बात को समझिए, ये एक पुचीदा मामला है. ईमान इतना संजीदा है कि अगर आपका ईमान नहीं, आप आसमान पे नहीं जाएंगे, आपकी निजात ही नहीं है, क्योंकि निजात के लिए ईमान लाना जरूरी है. ईमान के बगैर निजात नहीं हो सकती. मसीहों में कोई ऐसा कलमा नहीं है कि ये वाला मसीह कलमा पढ़ेंगे तो वो मसीह हो जाएंगे, निजात पा जाएंगे. मसीहों को मसीह होने के लिए, गैर लोगों को मसीह होने के लिए, उनको खुदा पर ईमान लाना होगा, यीशु मसीह पर ईमान लाना होगा, होली स्पिरिट पर ईमान लाना होगा. हमारा ईमान हमें मसीही रखता है. मसीही लोगों की कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है. अगर आप मसीह घराने में पैदा हुए हैं, इट इज नॉट मीन दैट कि आप मसीह हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आप मसीह घराने में पैदा हुए और उसी में आपकी मौत हो गई है तो आप मसीही हैं. नो, जब तक आपका ईमान है आप तब तक मसीह हैं. जी हां, बगैर ईमान के आप सिर्फ दावेदार हो सकते हैं, आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि मैं मसीह हूं, लेकिन जो बाइबल के मायने हैं मसीहों के लिए वो ईमान रखने वाले मसीहों के लिए. एंड रिमेंबर, कई मर्तबा लोग ये समझते हैं कि जनाजा पढ़ाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छी बात है, रिवायत अच्छी है, पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जिंदगी की सेलिब्रेशन है. लेकिन याद रखो, अगर कहीं, वैसे तो पढ़ना चाहिए, मैं रोक नहीं रहा जनाजा पढ़ाने से, पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कहीं आप पहाड़ी से गिर जाए और वहां पे कोई जनाजा पढ़ाने वाला ना हो तो लोग सोचे तो जनाजा नहीं पढ़िया, ये तो पता नहीं कितने जाएगा. तो कोई मसला नहीं, सिर्फ जनाजा पढ़ना ही हमारी रूह को खुदा के सुपुर्द नहीं करता, हमारा ईमान और जिस पर हमने खुदा पर भरोसा रखा होता है वो ऑलरेडी हमारी रूह को खुदा के सुपुर्द कर देता है. आमीन. सो अंडरस्टैंड इट, ईमान हमें कभी नहीं छोड़ता, अगर चाह हम ईमान को अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं. एंड नंबर टू, अंडरस्टैंड इट, मेरी बात को गौर से सुनिएगा.
पहली बात मैंने आपको बताई कि ईमान जो है वो हमें खुदा तक ले जाते हैं। नंबर टू, हमने मुख्तलिफ ईमान सीखे हुए, ये I'm telling you something different। ईमान मेरे नजदीक एक ऐसा प्रिज्म है जिसके जरिए हम खुदा को जान सकते हैं। हमें ईमान इसलिए दिया गया है कि हम खुदा के तजर्बात को हासिल कर सकें, खुदा को अंडरस्टैंड कर सकें। बगैर ईमान के कोई खुदा को समझ नहीं सकता। बगैर ईमान के आप ये बोल तो सकते हैं खुदा है, लेकिन आप उसका खौफ नहीं रख सकते कि वो हकीकत में मौजूद है। यू अंडरस्टैंड इट? यू अंडरस्टैंड इट? सो वाहिद ईमान ऐसा एलिमेंट है जो हमें ये कुवत देता है हम खुदा को जान सके कि वो है कौन और वो क्या करने की कुवत रखता है। अगर आपकी जिंदगी में ये तजर्बा नहीं हुआ कि खुदा कौन है, वो क्या करने की कुवत रखता है, तो यू हैव नो फेथ। बगैर ईमान के कोई तजर्बा नहीं है, सिर्फ वर्बल बातें हैं। आप सिर्फ बोल सकते हैं फलां को शिफा मिली थी, फलां के बारे में गवाही दे सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में यह लिखा है, बहरे कुलजम खुला था और कड़वा पानी मीठा हो गया था और लाठी सांप बन गई थी, ये हुआ था वो हुआ था, यीशु मसीह ने फलां बदरू को निकाला था, यीशु मसीह इस जिन पर गालब आया था, यीशु मसीह ने ये फतह पाई थी। लेकिन दार हकीकत आपने हकीकत में अपनी आंखों से अपने कानों से नहीं देखा होगा कि यह हुआ भी हो। लेकिन जब आप ईमान रखते हैं तो जो कुछ आपने बाइबल में पढ़ा है वो सिर्फ सुनने की हद तक नहीं रहता, बल्कि आपकी आंखें देखती और आपके कान उसे अपने इर्द गिर्द मौजूदा दौर में देखना सुनना शुरू कर देते। यू अंडरस्टैंड इट? इट कैन नॉट पॉसिबल विदाउट फेथ। हम खुदा को जान नहीं सकते। खुदा को जानने के लिए किसकी जरूरत है? ईमान की। ईमान दिया ही इसलिए है कि हम खुदावंद के तजर्बात को हासिल कर सकें, उसके एक्सपीरियंसेस को हासिल कर सकें, उसके तजर्बात में से गुजर सकें। दुनिया के नजदीक कामयाब और दौलतमंद वो शख्स है जिसके पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, लेकिन खुदा के नजदीक दौलतमंद शख्स वो है जो अपने अंदर ईमान रखता है। लिसन, इसलिए पालूस रसूल कहता है ईमान के वास्ते जान फिशानी करो। क्या करो जी? कीप फेथ। ईमान डामाडोल हो सकता है मजबूरियों की वजह से, जरूरतों की वजह से, भूख की वजह से, लेकिन हमने डामाडोल नहीं होने देना। हमने इसके लिए जान फिशानी करनी है। जहां पर आपने अपने ईमान को लूज किया वहां पर आप अबलीस को पावरफुल करते जाएंगे। आपको लगेगा अबलीस पावरफुल है, जब आपको लगे अबलीस पावरफुल है और जब आपको बदरुओं से खौफ आने लगे तो समझ जाए आपका ईमान इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहा है, लूज हो रहा है, आप पीछे जा रहे हैं। आप खुदा के लिए उतना ही कर सकते हैं जितना आपका ईमान है, उससे बढ़कर आप ना तो मसीह हो सकते हैं, ना रूहानी हो सकते हैं, ना उससे बढ़कर हदीये दे सकते हैं। हर इंसान खुदा को उतना नहीं देता जितना उसके पास है। कुछ लोगों के पास तो ज्यादा है लेकिन तो भी वो कम देते। इसका मतलब ये सच बात नहीं है जितना है उतना देते हैं। नो, कुछ के पास बहुत है लेकिन उतना नहीं देते। बट रिमेंबर, हमारे देने का स्केल हमारे ईमान पे डिपेंड करता है। हम खुदा को उतना ही दे सकते हैं जितना हमारा ईमान है। हम चर्च उतना ही आ सकते हैं जितना हमारा ईमान है। कुछ लोग एक संडे आके दूसरे संडे थक जाते हैं, बिकॉज यू हैव नो फेथ। अगर आपका ईमान है
करेंगे, फिर नामुकम्मल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए खुदा को सर्व करना मुश्किल है, खुदा की खिदमत करना मुश्किल। वाए आप रूहानी कोई काम भी आपको इजी नहीं लगेगा जब तक आपका ईमान नहीं है। ईमान रूहानी कामों को आपके लिए आसान कर देती है, इसलिए नहीं कि उसको उस काम को करना आसान है। असल में ईमान वो पैशन पैदा कर देता है कि खुदा है और मैंने खुदा के लिए करना है, और वो ईमान आपके अंदर उस काम को करवा देता है, आपसे हो जाता है। फिर आप हैरान होते हैं, मैं इस काबिल नहीं था, मैं कर नहीं सकता था, ये कैसे हो गया? इसके पीछे फेथ है। इसलिए खुदा कहता है ईमान मेरे पास आने वाले को क्या रखना चाहिए, क्योंकि ईमान के बगैर उसको पसंद आना, बगैर ईमान के आप खुदा के पास आकर भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। सो ग्रो योर फेथ, अपने ईमान पर तवज्जा फरमाएं, इसके लिए जाफिशानी करें, सुने खुदा का कलाम और ईमान रखें, ईमान रखें कि वो मौजूद है और आपके लिए मुहैया भी करेगा। आमीन, आपके लिए मुहैया भी करेगा। शिकिरतों पर यीशु मसीह हैरान हुआ, क्योंकि जब तूफान आने लगा उस तूफान को देखते हुए दे फॉर गेट इट के खुदा भी है, इसलिए वो डर गए। रिमेंबर, हमारा खुदा मौजूद है, उसकी मौजूदगी का ईमान रखें। ही इज प्रेजेंट, वो हमारे दरमियान जो है वो मौजूद है। एंड नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू, ईमान का मतबादल कोई और चीज नहीं है। आर यू हियरिंग मी? गुनाह को माफ करने के मतबादल कई एक जरिए हैं। माफी गुनाह को क्या कर देती है? खत्म, राइट? लेकिन इसका मतबादल दरवाजा भी है। नेकी के सबब से लोग गुनाहों पर गालिब आते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। कुछ लोग अपने गुनाहों पर नेकी के सबब से गालिब आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि अगर ईमान नहीं है तो खाली दुआ करोगे, नहीं भी ईमान रखोगे तो काम हो जाएगा। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, अगर ईमान नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, खाली प्रस्तिश कर लेना आपको जवाब मिल जाएगा, नहीं लिखा। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा हुआ, बगैर ईमान के अगर आप प्रस्तिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो आप हुक्म तोड़ रहे हैं, 10 अहकाम में से एक हुक्म तोड़ रहे हैं, जो हुक्म था बेफायदा, मेरा नाम ना लेना, क्योंकि बगैर ईमान के कोई फायदा नहीं है, किसी दुआ का कोई फायदा नहीं है, किसी प्रस्तिश का कोई फायदा नहीं है, किसी कलाम का कोई फायदा नहीं है, किसी रूहानी महफिल में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यू आर विदाउट फेथ। ईमान का कोई मुतबादल नहीं है, कोई हदिया, कोई पैसा ईमान का मुतबादल नहीं है। किसी ने सोचा कि रूहुल कुछ शायद पैसों से मिलता है, वो पैसे ले आया शिगिर्दों के पास, कहने लगा ये पैसे ले लो, मुझे रूहुल कुछ दे दो। उसने कहा रूहुल कुछ पैसों से नहीं, बल्कि खुदा के फजल और ईमान के सबब से हासिल होता है। मेहनत से चीजें हासिल नहीं होती, मेहनत ईमान के बाद हो सकती है, दुआ ईमान के बाद हो सकती है, प्रस्तिश ईमान के बाद आती है, लेकिन ईमान से पहले कलाम आता है और कलाम के बाद दुआ नहीं आती। कलाम के बाद एक ही चीज आती है और वो ईमान है, ईमान के बाद बाकी चीजें दाखिल होती है। अगर आपने आप सुने एक कुछ लोगों को बायो आमला का पता है, वो जो सिक्का काय और बायो आमला के गोल गोल वो होते हैं बायो आमला, तो जब लोगों को अस्थमा और टीबी होने लगी तो देसी लोगों ने उसका इलाज निकाला और कहने लगे कि इसको
उस बीज के साथ ही पीस कर इसे ऐसे गोल सी गोली बना के खाओ। वो जो खाता था वो ऐसी झाग बनती थी, उल्टियां और तबीयत खराब, डायरेक्ट उसे खा नहीं सकते थे। इट वॉज प्रॉब्लमेबल फॉर देम, ना वो आगे के ना पीछे के। फिर लोग अपना पूरा पूरा स्टमक वॉश कराते थे हॉस्पिटल्स में जाकर। मैं बात कहना चाहता हूं, अगर आप बगैर ईमान के कलाम को लेते हो तो उसका कोई असर नहीं होगा। आप इधर से सुनेंगे और इधर से निकल जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर डॉक्टर्स ने क्या किया कि कड़वी दवाइयों को भी उन्होंने ऊपर से शुगर कॉटन करना शुरू कर दी, हल्की क्रीमी शुगर कॉटन कर दी, ऐसे करके एक मेंटन रखी, पानी पियर प्रेस से फिसल कर वो मेदे में चली गई और फिर अंदर जाके शुगर कॉटन उतर गई और दवाई ने असर किया, लेकिन बंदे को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक रहा। बगैर ईमान के कलाम ऐसे ही खतरनाक है। आप लोग कलाम भी रखोगे शैतान और दुश्मनी करेगा, लेकिन जू ही आप कलाम को ईमान के साथ लेते हो वो इतना शुगर कोटेड हो जाता है कि आप आसानी से उस पर अमल कर सकते हो और आसानी से इबलीस पर गालिब आ सकते हो। इट इज पावरफुल। विदाउट फेथ इज वेरी हैवीनेस। क्रिश्चियनिटी, मसीह बनना, पाक बनना बहुत मुश्किल है, इसलिए ईमान को रखें। आमीन। और इसको समझना, बगैर ईमान के बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे बदरों को निकालते जो बाइबल के तरीके का ही नहीं है, ऐसी ऐसी दुआओं के मेथड को अपनाते हैं, अजीब तरीके से खुदा को पुकारते हैं। कुछ लोग माथे मारते हैं जोर जोर से, बहुत सारी मोमबत्तियां जलाते हैं, समझते हैं मोमबत्ती के जरिए खुदा आएगा, खुश होगा, भाई मैं मोमबत्ती बाली है। ठीक है, ये ईमान के बाद शायद कुछ चीजें अच्छी लगे, लेकिन ये ईमान से पहले खुदा तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ईमान ही हमें खुदा तक पहुंचाता है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग मोर, सिर्फ और सिर्फ मौत जात के लिए अपने ईमान को बिल्ड ना करें। डोंट बिल्ड योर फेथ जस्ट फॉर मिरेकल्स एंड हीलिंग्स। आपको वो औरत याद है जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसने क्या किया था? उसने पहुंचने तक ईमान रखा था। आप जरा मेरे साथ हवाला निकालिए, मत्ती 9 बाब और उसकी 20 से 22वीं आयत। लेकिन देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी। यू अंडरस्टैंड इट? पोशाक के छूने का मतलब था करीब जाना। यू अंडरस्टैंड इट? बगैर करीब जाए हुए वो यीशु से शिफा नहीं पा सकते थे। उसका करीब जाना, उसका पहुंचना, ये उसका फेथ था। और ईमान भी हमें खुदा के करीब तक पहुंचाता है, नियर लेके जाता है, क्लोज लेके जाता है, फिर हमारी जिंदगी में मिरेकल जरूर नुमा होता है। वो कहती थी मैं खुदा को फाइंड करूंगी, पाऊंगी, ढूंढ लूंगी, मैं शिफा पाऊंगी। उसके शिफा पाने का पहला प्रोसेस था खुदा को फाइंड करना, ढूंढना। हमारा शिफा पाने का पहला प्रोसेस क्या है? हमें चीज मिल जाए। इट इज रॉन्ग। इसलिए बहुत सारे लोग जो तवक्का करते हैं वो हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो मेथड है पहले खुदा मिलना चाहिए, फिर ही तो आप उसका पल्ला छुएंगे, फिर ही तो आप उसे पकड़ेंगे, फिर ही तो आप उससे शिफा पाएंगे, फिर ही तो आप उससे मांगेंगे,
लेकिन बजाय ये कि हम खुदा को फाइंड करें, हम खुदा को ढूंढें, खुदा को हासिल करें, बाइबल में भी लिखा है पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाह तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि बादशाह में बादशाह है यीशु मसीह है, तो लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं। कुछ लोगों को दे डोंट केयर, उन्हें सबसे पहले चीजें ढूंढनी है। चर्च क्यों नहीं आए, गाड़ी नहीं थी। फला चीज क्यों नहीं किया, पैसा नहीं था। आपने ये काम नहीं किया, ये चीज नहीं थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आगे ले आएंगे क्योंकि वह समझते चीजें हमें खुदा तक पहुंचाती हैं। शिफा देगा तो इबादत करेंगे, फला चीज होगी तो ये करेंगे। डोंट डू इट, पहले खुदा तक पहुंचे। पहले दर्जे का ईमान यह है कि वो ईमान हमें खुदा तक लेके जाए। आमीन। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.